आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, जिसको सुनकर आप उछल पड़ोगे। देख लेना, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ कि जो आपकी एयरफोर्स वालों ने ना एग्ज़ाम निकाल दिए, देखिए इंडियन एयरफोर्स की अक्सुआई ग्रुप की 2021 की पोस्ट निकल चुकी है, ठीक है। तो आप इसमें अब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिसका स्टूडेंट्स लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो वैकेंसी अब आ चुकी है। ये फॉर्म स्टार्ट होगा 22 जनवरी 2021, यानी कि आप 22 जनवरी 2021 से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट डेट होगी 7 फरवरी 2021, ठीक है। और इसके लिए जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपीज़ एंड SC ST वालों के लिए भी 250 रुपीज़ होंगे फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में आएगा और एग्ज़ाम होगी 18 से 22 अप्रैल के बीच में। जो पिछली बार थी उसी टाइम होने वाली है, बस पिछली बार मार्च में थी तो इस बार अप्रैल में होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सभी के द्वारा हो सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इसकी जॉब लोकेशन है ना, पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी आ सकती है। और डी ओ बी देख लो, 17 जनवरी 2001 से लेकर 30 दिसंबर 2004 तक के सभी जिन स्टूडेंट्स की इन दो डेट्स के बीच में DOB ना वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें 6 मंथ का, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर ऑफ पोस्ट, कोई भी नंबर नहीं दिए वैकेंसी पोस्ट हो के इसमें कितने भी स्टूडेंट्स लोगों को ले सकते हैं, ठीक है। XY ग्रुप 01/2022 बैच है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट नहीं दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 33,100 रुपीज़, ठीक है। वो है आपकी ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, अक्स ग्रुप के लिए आपके 10+2 होनी चाहिए, और साथ ही 10+2 में मैथ फिजिक्स के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए, और तीनों सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स होने चाहिए। या आपके पास तीन ईयर का पॉलिथेमिक डिप्लोमा विथ 50% के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये 2 ईयर का वेकेशन कोर्सेज विथ 50 मार्क्स, ठीक है। ये आपके एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी है, एंड वाई ग्रुप के लिए आपको 10+2 चाहिए, उसमें मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है जिसमें आर्ट्स कॉमर्स सभी या सब्जेक्ट आएगी, बायो वगैरह। आप तो यदि आप मैथमेटिक्स है तो आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप मैथमेटिक्स से नहीं है तो इस वाई ग्रुप से अप्लाई कर सकते हो। यदि आप दोनों का अप्लाई करना चाहो तो दोनों का भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाउ टू अप्लाई, आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे। तो 22 जनवरी की इसकी लिंक ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो, ठीक है। और 7 फरवरी से पहले ही आपको ओपन करना है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाए आपको तभी ही फॉर्म को फिलअप कर देना है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है कि बाद में साइट बिजी हो जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था इसके अकॉर्डिंग, बहुत से इस बार फॉर्म फिलअप होने के चांसेस हैं। और फॉर्म के अंदर क्या क्या लगेगा, 10th पास सर्टिफिकेट एंड 12th की जो आपकी मार्कशीट है ना, 10th 12th की मार्कशीट, यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है तो, यानी कि आप देखें आप एक्समैन में 3 ईयर या 2 ईयर्स के डिप्लोमा के साथ अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास वो होना चाहिए, कलर्ड फोटो साइज होनी चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, कैंडिडेट्स पेरेंट्स की इमेज, ठीक है। ये दो पिछली ईयर से ही उन्होंने चालू कर दिया है, पेरेंट्स की इमेज और उनके साइन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी किस प्रकार से रिक्वायरमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो उसमें पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या लॉगिन कर सकते हो, आपकी पहले से आईडी बनी हुई है तो। अब ये 22 जनवरी को ओपन हो जाएगी लिंक, ठीक है। यहाँ से आप इसके लिए और भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एग्ज़ाम सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को आगे की और नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है।